तो जशपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां दो हाईवा में भीषण टक्कर हुई है। दोनों के ड्राइवर बुरी तरीके से फंसे, ड्राइवरों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। बगीचा मार्ग पर यह हादसा हुआ है, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और लगातार सड़क हादसे की खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त जशपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां दो हाईवा में भीषण टक्कर हुए, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस वक्त वहां पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि ड्राइवर भी जो है दोनों बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीर आप देखिए, गाड़ी के परखच्चे पूरी तरीके से उड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रियल जिंदर हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियल, सबसे पहले जानना चाहते हैं, दो ड्राइवर जो है बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है, क्या अपडेट इस पर और कैसे पूरा हादसा हुआ, विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दूं कि ये जो मामला आ रहा है, ये चरेडाण और बगीचा हाईवे का मार्ग है, जो स्टेट हाईवे है। इसमें ये धूल के गुब्बारे हैं, जो आपको बता दूं ये बिल्कुल अभी निर्माणधीन सड़क है और इसपे दोनों जो ट्रक है आमने सामने भिड़ंत हुई है। जो नया वाहन है हाईवा ट्रक, वो बगीचा की ओर जा रहा था और विपरीत दिशा से आ रही ट्रक के सामने भिड़ंत हो गया और भिड़ंत इतनी जबरदस्त हुई कि टक्कर में दोनों ड्राइवर जो है केबिन में ही फंसे हुए हैं। और जैसे जानकारी वहां ग्रामीणों को लगी, स्थानीय ग्रामीण वहां पर पहुंचे मौके पे और पहुंच करके तत्काल वहां क्रेन और कटर मशीन को बुलाया गया है अभी। और आपको बता दूं, इसमें बगीचा पुलिस और कुनकुरी पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है और अभी यहां पर बिल्कुल अंदर तो बताया जा रहा है कि सेफ है ड्राइवर दोनों, लेकिन इनको कटर की मदद से अभी निकाला जा रहा है। बिल्कुल प्रिय, इस हादसे में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आ रही है? अभी तक देखिए इसमें पता नहीं चल पाया है किसकी लापरवाही है, लेकिन ट्रक के ड्राइवर जब बाहर निकल जाए उसके बाद ही इसमें क्लियर हो पाया कि गलती किसकी है या फिर लापरवाही किसकी है, अभी तक इसमें खुलासा नहीं हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल प्रिय, तो अभी तक ड्राइवर को निकालने की कोशिश जारी, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।